हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लाइट जो है वो क्या होती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो लाइट जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती हैं, लाइट की डेफिनेशन चेंज होती जाती है। इनिशियली शुरुआत की क्लासेस में हमको बताया जाता है लाइट एक रे है, और उसके बाद में फिर बाद में जैसे ही हमारी क्लास बढ़ती है, हम 11th 12th की तरफ जाते हैं, तो लाइट को बताने लगते हैं कि लाइट एक वेव है। और फिर 12th में आ जाता है कि लाइट एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है जिनको फोटॉन्स भी बोला जाता है। तो ऐसे करके फिर बाद में ये आ जाता है 12th में ही या उसके बाद कि लाइट जो है वो नाइदर वेव है नॉर पार्टिकल है। ये मतलब पार्टिकल और वेव का जो है वो मिक्सचर है। तो इस तरीके से जो लाइट है वो चलती है। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि एक्चुअली लाइट है क्या। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल सोचा था कि जैसे मान लो आपकी फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली में आपके ब्रदर होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, मदर फादर अंकल आंटी सब होते हैं। तो अगर मान लो आपको डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लो आपका मदर्स डे आया तो आपको मदर को विश करोगे, फादर्स डे आया तो फादर को विश करोगे, और अगर ब्रदर राखी आती है, रक्षाबंधन आता है, तो आप ब्रदर या सिस्टर एक दूसरे को विश करते हैं। तो उसमें अगर आप ये पूछो कि भाई इंडिविजुअली मतलब एक आदमी से थोड़ी ना फैमिली बन जाती है, हर आदमी का कंट्रीब्यूशन होता है एक फैमिली को बनाने में। तो ऐसे ही अगर आप लाइट के बारे में सोचते हो कि लाइट क्या है, तो दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कि व्हाट इज फैमिली। फैमिली और लाइट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि लाइट जो है वो इन सब चीज़ों से मिलके बनती है, रे से भी बनती है, वेव से भी बनती है, और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल से भी बनती है, और बोथ से मिलकर के भी बनती है। तो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में लाइट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो कोई एक इसके लिए कोई एक सिद्धांत नहीं है। जैसे हम ये कह दें कि भाई ब्रदर से ही फैमिली बनती है, नहीं कह सकते। और ऐसी भी हो सकती हैं जिस फैमिली में केवल ब्रदर्स ही हों, यह भी पॉसिबल है। तो अब कुछ भी कहना इस बारे में हमें काफ़ी लिमिटेड कर देगा। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जब लाइट की होती हैं तो उनको हम बोलते हैं लाइट। लाइट इन सारी प्रॉपर्टीज से मिलकर के बनती है, और ये सारा एक लाइट के एक फैमिली की तरह है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जब हम इमेजेस की बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो हम रे वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, उन सब में हम रे की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एक मॉडल ऑफ लाइट है, मतलब एक टाइप का एक मॉडल है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि कोई सारी चीज़ें सही हों। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में एक कॉर्पस्कुलर मॉडल आया था, जो कुछ लोग कहते हैं डेकार्ते ने दिया था, कुछ लोग न्यूटन को इसका क्रेडिट देते हैं, वैसे न्यूटन को ही जाते हैं मेनली। दो ये जो मॉडल था वो फेल हो गया था, बट इसने जो रिफ्लेक्शन को काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया था कि इसमें कहा गया था कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल्स की तरह चलती है, लाइट इज पार्टिकल, और उन पार्टिकल्स को हम कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। तो और जो जैसे ही वो डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जबकि होता उल्टा है। आजकल की साइंस ने ये प्रूव किया है, लेकिन ये अब बताओ न्यूटन के टाइम का ये मॉडल था, बट फिर भी उसने रिफ्लेक्शन को काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। और तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी गलत भले चीज़ सिद्ध हो गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसकी पॉजिटिव साइड भी होती है, उसने कुछ ना कुछ अच्छा भी किया होता है। तो ऐसे ही जो लाइट है डिफ्रेक्शन को एक्सप्लेन करती है, तो ये वेव की तरह वेव करती है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रेक्शन है, ये सारी
डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आप 12th में पढ़ोगे। लाइट इंटरफेयर करती है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये मेटल का सरफेस है, यहाँ पे लाइट आकर के गिरती है तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो इसको बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज बेसिकली द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मेटल। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है तो इससे करंट जनरेट होता है, इसको ये पार्टिकल नेचर शो करता है, वेव नेचर शो करता है, डिफ्रैक्शन। जब लाइट किसी बहुत छोटे से एपर्चर से होकर के यहाँ से पास होती है तो वो ऐसे करके फैल जाती है और स्क्रीन पर जाते जाते बहुत सारे बैंड्स बनाती है, तो ये सारे में फैल जाती है। इससे पता चलता है कि लाइट केवल स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, ये फैलती भी है, यहाँ भी जाएगी यहाँ भी जाएगी। तो जब ये फैलती है तो इस फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट है वो कहती है कि लाइट इज नाइदर वेव नॉर पार्टिकल, बट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कि जैसे ये हमारा एक सोर्स ऑफ लाइट है, अब इस सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट आती है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे जाती है, इसे हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंख पे पहुंचती है, लाइट की रे, तो जब लाइट रे, यहाँ पे हम रे प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं, रे की वजह से ही हम देख पाते हैं। तो लाइट की जो लाइट का जब रिफ्लेक्टेड लाइट की रे हमारी आंखों पे पहुंचती है तो यहाँ से टकरा करके अपनी जगह से लौटती है उसी मीडियम में, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और जब वो पहुंचती है तो उसकी एक इमेज बनती है हमारे दिमाग में, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम जो देख पाते हैं चीज़ों को, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि लाइट की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। कभी लाइट रे की तरह बिहेव करती है, कभी वेव की तरह बिहेव करती है, कभी गन, जैसे मान लो बंदूक में से गोलियां निकल रही हैं, तो दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन। तो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है, इन पार्टिकल्स को फोटॉन्स भी बोला जाता है। तो ये कभी कभी ये दोनों की तरह बिहेव करती है, मतलब पार्टिकल्स आर मूविंग इन ए वेव फॉर्म लाइक। तो ऐसी कंडीशंस में हम कहते हैं कि लाइट बिहेव्स एज बोथ। सो आपको मैं फैमिली का एग्जांपल दिया है, इससे आप अच्छे से समझ सकते हो। तो जब भी हम मतलब कहीं पे अगर रे की बात करें तो वहाँ पे इमेजेस बनाने में माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में रे को यूज़ करते हैं, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने में वेव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही होता है, जब मेटल सरफेस पे आकर के फोटॉन्स गिरते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जब लाइट का इंटरेक्शन मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है तो उससे जो करंट बनता है उसे फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बोलते हैं। तो इसमें लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पार्टिकल नेचर को शो करती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड, सो होपफुली यू विल लाइक एंड शेयर विद योर अप्रोप्रिएट फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।